तो गाइस ये है पास्ता हलवा, लाड़ो ने करा न्यू इन्वेंशन पास्ता हलवा। मतलब किसी की बहन इतना गंदा खाना बनाती है तो प्लीज कमेंट में बताना। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अगर आज, मतलब इतनी जल्दी में मैं उठा था, ब्रेकफास्ट करा, कैब भी लाना भूल गया, बिना कैब के सही लग रहा हूँ मतलब यार। और शॉप पे आ चुके हैं और ये देखो कह रहा है मेरी बना दो, और अभी शॉप की लाइट चली गई है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लाइट संभालने वाले भैया आए हैं तो लाइट संभल रही है अभी, तो यहाँ पर कोई है भी नहीं तो मैं इसलिए बैठ चुका हूँ यहाँ पर और इन थोड़ी बहुत बात कर रहा था। चलते थोड़ी देर में शॉप पर भी लाइट संभल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आ गए हम लोग अगरा की सब्जी मंडी में सब्जी लेने, और अभी यश भी क्या कहते हैं गया नहीं है, वो आज मॉर्निंग में जाने वाला था बट अब गया नहीं है तो उसको भी ड्रॉप करके आना है, तो चलते हैं बरेली, इसके बाद उसको ड्रॉप करने चलेंगे। गाइस फाइनली बरेली भी आ चुके हैं, और मतलब ये इसको जाना था कितने बजे, सुबह 7-8-9 बजे, और ये 1 बजे तो सो के उठा है महान, 12:30। और लाड़ो ने अभी पास्ता बनाया, बट वो पास्ता नहीं है हलवा बना दिया उसने पास्ता का, तो गाइस ये मना कर रही है बट मैं दिखाऊँ आपको जरूर, जब मेरी प्लेट में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस ये है पास्ता हलवा, लाड़ो ने करा न्यू इन्वेंशन पास्ता हलवा। मतलब किसी की बहन इतना गंदा खाना बनाती है तो प्लीज कमेंट में बताना। ये है हमारे घर की शेफ जो ये इतना गंदा खाना बनाती है, क्या बताऊँ इतना गल गया, मतलब इसको खाना बनाना आता ही नहीं है, इसको खाना कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। गाइस ये देखने में जितना बुरा लग रहा है ना, खाने में टेस्ट में उससे ज्यादा बुरा ही है, इतना बुरा है। और ये कह रही है कि अच्छा बोल, ये कह रही है कि अच्छा बोल, बिल्कुल अच्छा है नहीं तो क्या बोलूं मैं। तो गाइस घर पे मतलब आके एकदम कुछ खाया पिया, वो हल्का बहुत लाइट, और अब मेरे को 3 काम करना था। पहले मेरे को इसको ड्रॉप करना है, शॉप का काम है, पुराने शहर जाना है, एक पार्सल देना है, उसके बाद जिम चलना है और बैंक भी जाना है, तो सब काम करने हैं। और घर से टाइम मिला है सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटा, 2.5 आवर। तो चलते हैं, और एक तो मेरी स्मार्ट वॉच का चार्जर खो गया है तो घड़ी चार्ज नहीं हो पा रही यार, बड़ी दिक्कत हो रही है, चार्जर भी अब देखना पड़ेगा। तो चलते हैं फिलहाल, इसको ड्रॉप करते हैं, ये लगाते हैं, और जो एक दो काम है वो सब करते हैं। सो गाइस शॉप का काम भी कर दिया है और इसको ड्रॉप करने जस्ट आ गया हूँ, रोडवेज आ ही गया है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और किस टाइम का हो गया, टाइम हो गया है 7:53, मतलब 7 बजने वाले हैं, 6:53। तो जल्दी से चलते हैं जिम अब, और फिर करते हैं वर्कआउट स्टार्ट, आधा 1 घंटा ही हो गया पूरा घर से निकले हुए, चल बाय बाय। तो गाइस जिम में भी आ चुका हूँ, और आज मैं करूँगा बैक बाइसेप, और मतलब यार स्कूटी से शाम को घूमने में बहुत दिक्कत होती है, आँखें पूरी लाल हो गई हैं, मतलब इतना मच्छर वगैरह चले गए थे। और कोई नहीं, जिम में आ चुके हैं, अभी हो रहा है 7:25, 1.5 घंटा अप्रॉक्स लग गया मेरे को मार्केट में, और कोई नहीं यार काम तो था, और अब एक्सरसाइज करते हैं, और फिर आई थिंक घर पे स्कूटी देनी है, इसलिए पापा ने मेरे को 2-2.5 घंटे का टाइम दिया था, क्योंकि शायद पापा को वहीं जाना है, और तो जल्दी से करते हैं वर्कआउट खत्म, फिर चलते हैं घर। वर्कआउट बैक का मेरा कंप्लीट हो गया है, अब एक सेट में बाइसेप का लगा रहा हूँ, और शूट मैंने ज़्यादा करा नहीं एक्सरसाइज आज, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक डेडलिफ्ट का ही शूट करा है, और मज़ा आ गया। अब करते हैं बाइसेप का कोई एक एक्सरसाइज करते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस बाइसेप का वर्कआउट भी हो गया, शेक पी रहा हूँ, और बहुत टाइम बाद करण आया है जिम में, ये है करण, और शेक पीते हैं और फिर चलते हैं घर, थक जाता हूँ यार, जिस दिन 2 पार्ट की एक्सरसाइज करता हूँ ना उस दिन हालत ख़राब हो जाती है मेरी, तो वर्कआउट करती है मतलब शेक पीते हो चलते घर पर। गाइस अभी जस्ट आ गए हैं, पेट्रोल फिल करवाने, बहुत दिनों से टंकी खाली है यार, तो सोचा फिल करवा लें। सो गाइस घर पर भी आ चुके हैं, मैंने खाना भी खा लिया है, और मतलब आज मेरा मन था कि मैं एक चैलेंज वीडियो शूट करूं, बट मेरे में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं आज। शॉप गया, फिर काम करा शॉप का, फ्रेश को ड्रॉप करा, फिर जिम गया, एंड अब घर पर आया हूँ खाना खाने के बाद, मतलब मेरे को ताकत ही नहीं है कि मैं एक चैलेंज वीडियो शूट कर पाऊँ, बट जल्दी एक चैलेंज वीडियो और शूट करूँगा फिर अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट वीक में 2 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा चैलेंज वीडियो, और काफ़ी लोग ने कमेंट करा था कि 24 आवर इन अ रूम चैलेंज करूँ, बट एक्चुअली गाइस मेरे पे अभी रूम नहीं है, और आरुष पे भी कोई ऐसा रूम नहीं है, क्योंकि आरुष का भी एक घर बन रहा है और मेरा भी चाचा वाला जो घर है वो बन रहा है अभी, तो कोई फुल फर्निश्ड घर नहीं है जिसमें हम लोग एक ब्लॉग कर पाएँ, तो वो भी जल्दी करेंगे, बट अभी हम डिसाइड करते हैं कि मैं चैलेंज कौन सा करूँ। ऐसे मैंने सोच रखा है, कंफर्म कर लूँगा एक बार उससे कि मैं ये वाला चैलेंज करूँगा, क्योंकि
कभी कभी होता है कि वो भी वही एक बार होता है कि वो भी चैलेंज सोच रहा होता है, मैं भी सोच रहा हूँ, वो सेम होते हैं, तो डिसाइड कर लेंगे। और आई थिंक कल मैं चैलेंज वीडियो शूट करूँ प्रॉपर, और आज तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है मेरे में, मैं सो जाऊँगा। और अगर आपने ब्लॉग यहाँ देखा है तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट। इंस्टाग्राम में फॉलो करो स्पर्श बनिया, बाय बाय।